आज हम प्लस वन क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेल्टा मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लेके आए हैं डेरिवेटिव का। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है हमने बाय डेल्टा मेथड। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो जो क्वेश्चन गिवन है हम उसको नंबर वन सपोज करेंगे, फिर चेंज वाई इंटू डेल्टा वाई एंड एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये चेंज करेंगे हम। यह जगह वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज नंबर टू। अब हम करेंगे वन माइनस टू, वन को टू में से माइनस करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब ये देखना है हमने जो हमारी राइट हैंड साइड है, अगर वहां पे डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने ये लिखना है टेकिंग लिमिट एलपी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो ये सारी वैल्यू हमारी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा आ गया वन। तो वैसे भी हमें ये फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, तो हमने ये सारा डेल्टा मेथड के साथ प्रूव करके दिखाया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, चेंज करेंगे वाई को डेल्टा वाई एंड एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हम लिखेंगे नंबर टू। फिर हम करेंगे वन माइनस टू, तो ये आ जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज के साथ कैंसिल। तो मैंने ये बोला था अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में डेल्टा एक्स कॉमन में पड़ा है तब हमने लिखना है लिमिट जो भी है सारा कुछ। तो पहले तो डेल्टा एक्स कॉमन निकालेंगे यहां से, डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स। अब हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और साथ में लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स। जिस डेल्टा एक्स के साथ हमने डिवाइड किया वो हमने फर्स्ट टर्म के साथ ही लगा दिया, तो ये वाला हमारा बन गया यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज डेल्टा एक्स जीरो, तो आंसर इज टू एक्स। हमें पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो ये मेथड के साथ हमने प्रॉपर प्रूव करके दिखाया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स नंबर टू। वन माइनस टू करेंगे हम, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो ये कैंसल। तो जो भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन होंगे उनमें हम रैशनलाइज करेंगे, यहां ये आ गया हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस दिस, तो न्यूमिनेटर में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आएगा इसके आगे
स्क्वायर हटाने के बाद अंडर कैंसर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा एक्स कॉमन आ गया हमारे पास, तो लिखेंगे सीधे लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये आ गया हमारा इनटू साथ में यहां पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स डेल्टा एक्स जीरो प्लस रूट एक्स, तो ये हमारा सारा डी वाई अपॉन डी एक्स, डेल्टा एक्स वगैरह कैंसल सारा, ये वन हो गया और साथ में रूट एक्स प्लस रूट एक्स इज टू रूट एक्स, तो हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स इज वन बाय टू रूट एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो दोनों को माइनस करेंगे e रेज पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेज पावर x, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके आगे डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे e रेज पावर x इनटू e रेज पावर डेल्टा x माइनस e रेज पावर x, तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास e रेज पावर x कॉमन आ रही है, ये आ जाएगा e रेज पावर डेल्टा x माइनस 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज वन, तो जितनी यहां पे पावर है डिनोमिनेटर में उतनी पावर होनी चाहिए यहां पे, तो लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स, ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेज पावर डेल्टा एक्स माइनस वन ओवर डेल्टा एक्स, तो ये सारी वैल्यू ये वाली ये हमारे पास वन होगी फॉर्मूला, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में ई रेज पावर एक्स, तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसमें लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, दिस इज नंबर टू वन माइनस टू ये इसके साथ कैंसिल, तो एलसीएम के बाद ये वाली टर्म्स इंटरचेंज हो जाएगी यहां पे अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, तो इसके आगे और कितना सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा इसके आगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे टू एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू आई के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास तो सीधे लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू यहां से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है अपॉन डेल्टा एक्स और साथ में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो न्यूमिनेटर में यहां पे बचा हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, जहां जहां हमारे पास डेल्टा एक्स पड़ा है वहां पे हम लिमिट अप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, साथ में यहां पे डेल्टा एक्स जीरो ये माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में यहां पे एक्स रेज पावर टू, तो ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स, तो इसको लिखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स नंबर टू, तो माइनस करेंगे इन दोनों को माइनस वन ओवर एक्स, तो ये वाली वाली कैंसल, एलसीएम ये तो इजी क्वेश्चन है हमारा,
तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, x माइनस डेल्टा x अपॉन x इनटू x प्लस डेल्टा x, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसल। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, साथ में लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो x इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, तो ये हमारा dy अपॉन dx, ये इसके साथ कैंसल, यहां पे आ जाएगा हमारा x के। तो इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।